आज की मांग 44। गांधी जी ने एक अपना विचार दे रखा, पूंजी अपने आप में बुरी नहीं है, उसके गलत उपयोग में ही बुराई है। भगवान ने जो धन राशि दे रखी है वो स्वयं बुरी या अच्छी नहीं होती, वो तो एक जड़ संपत्ति है, लेकिन उसका उपयोग किस तरह से किया जाता है उसमें पूंजी को बुरी या अच्छी मानी जाती है। जिसके पास धन है वो धन अपने आत्मकल्याण के लिए ही उपयुक्त किया गया, जिससे परमात्मा की बहुत बड़ी प्रसन्नता प्राप्त हुई, उस पूंजी को बुरी कैसे मानी जाएगी। लेकिन किसी ने अपने भाग्य में जो कोई धन मिला था उस धन से केवल पाप ही किया और मरने के बाद यमपुरी में जाने का अवश्य हो जाए ऐसा ही काम किया, तब वो पूंजी का उपयोग सब तरह से गलत हो गया, इसलिए वो पूंजी खराब मानी जाएगी। इसलिए इसका अर्थ ये हो सकता है कि हमको भगवान ने जो जो दिया है वो मानव शरीर हो या तो और कोई भी सुविधा हो, उन सभी का उपयोग हमको ऐसे करना चाहिए कि जो उपयोग हमारे लिए और सभी के लिए कल्याणकारी हो। यदि हम सभी तरह की संपत्ति का सदुपयोग करें तो वो हमारे आत्मकल्याण के लिए अच्छी साबित हो सकती है।